जिनके लिए हम रोते हैं। हे गाइस, आज मैं आप लोग के साथ में कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगी। कृष्णा जब मेरे साथ में छोटा सा था तो मैं कैसे चीज़ें करती थी, कृष्णा बहुत क्यूट लगता था, मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती थी, वो सारे दिन याद आ रहे थे मुझे। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ, हम लोग जा रहे थे पहले कृष्णा को वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो हम लोग वैक्सीनेशन करा के वापस आ चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं ये जाने का है और इधर से हम वापस आ गए थे। तो हम जब जा रहे थे तब मैंने शूट किया था, और उसके बाद से ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो रोड है ये वाली हम लोग जब वापस आ रहे थे तब की है। और अभी हम लोग आ करके घर पे खाना वाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके गए थे। और कृष्णा का वैक्सीनेशन हम प्राइवेट में ही कराते हैं, तो प्राइवेट हम लोग को ज़्यादा सही लगता है, तो इसलिए हम वहीं कराते हैं। तो वहीं गए थे हम लोग, और बस वहीं से आकर के मैं आप लोग के साथ में और भी वीडियोस वगैरह शेयर करूँगी। ये व्लॉग 2 दिन का है, आप लोग को मैं यहाँ पर 2 दिन का ऐड करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत से लोग के साथ में शेयर करना है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और यहाँ का जो मतलब वेदर है बहुत अच्छा वेदर होता है गाइस। और यहाँ का जो मतलब रोड वगैरह है ना, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब पंजाब में आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, शांति बहुत ज़्यादा है, सुकून बहुत ज़्यादा है। कभी आप लोग आना, जिस जो जो या मेरी वीडियोस देखते हैं वो कभी ज़रूर आएंगे पंजाब और घूम के जाएं, बहुत अच्छा है। यहाँ का गोल्डन टेम्पल भी बहुत बढ़िया है, आप लोग देखोगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग को सुकून और बहुत ही शांत जगह चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर आप लोग कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। हाँ माना कि कोई चीज़ें नहीं है इतनी, बट ये है कि हाँ अगर शांति और सुकून चाहिए तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आप लोग आना, आप लोग को खुद ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी घर जा रहे थे। मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं देखो लखनऊ में भी रही हूँ, दिल्ली में भी रही हूँ, मुझे दिल्ली तो बिल्कुल नहीं पसंद है। दिल्ली में यार इतना ज़्यादा कंजस्टेड है, दिल्ली इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है ना दिल्ली कि मतलब हद से ज़्यादा। दिल्ली में एक चीज़ है ये है कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर चीज़ आपको मिल जाती है, बट दिल्ली में यार एक कहीं जाना हो आपको, बहुत ज़रूरी है, जल्दी है, इमरजेंसी है, तो आपको 1 घंटा लग जाता है जाने जाने में, और आप अपनी गाड़ी से कहीं तो जा ही नहीं सकते हो। आप 1 घंटे में आप गाड़ी निकाल ही नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होती है दिल्ली में कि मतलब हद से ज़्यादा। मुझे दिल्ली थोड़ी सी कम समझ में आती है, और मेरा जो लखनऊ है वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब भीड़ भड़ाका वाला है एरिया, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। आप दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, मुंबई में बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग मुंबई खैर गए नहीं हैं, बट जब जाएंगे तो आप लोग के साथ में ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे, और हम लोग अपनी जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि हाँ हेल्थ वगैरह ठीक रहे, क्योंकि ना मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन सी लग रही है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो हो जाती है ऐसी, क्योंकि यार फिर घर का सारा काम होता है ना, कृष्णा भी है, कृष्णा को अलग से टाइम देना होता है, क्योंकि जब वो उठा रहता है तो मैं फिर उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ। तो चलो मैं घर पे चल के आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो खाना बना करके आप लोग के साथ में बताती हूँ। ठीक है, आ जाओ आप लोग। मैंने दूजी बार भी प्यार होया सजना, तेरी गल भी मैं देना। मैंने दूजी बार भी प्यार होया सजना, तेरी गल भी मैं देना।
सो गाइज मैं यहाँ पर लिखने गई थी, यहाँ पर जो ककड़ी होता है ना, ककड़ी आप लोग खाते होंगे, बहुत से लोग खाते होंगे, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो बेबी ने कहा था कि कोई नहीं तुम एक बार खा के देखना, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा आपके लिए कट कर देती हूँ। खीरा जो थे ना, कुकुम्बर जो थे वो ख़त्म हो गए थे मुझे ना। वैसे तो सैलड में, ग्रीन सैलड में मुझे बस केवल कैबेज पसंद है, जो पत्ता गोभी होती है ना उसको भी अगर आप खाते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो उसको कट करके और थोड़ा सा नमक और काला नमक चाट मसाला और आपका लेमन वगैरह स्क्वीज करके जूस वगैरह ऐड करके आप बनाते हो उसका, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं कुकुम्बर मुझे कुकुम्बर बहुत पसंद है तो मैं कुकुम्बर वगैरह खा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ककड़ी कट कर रही थी तो मैंने कहा, एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप अपने बालों को शो कीजिएगा, आई थिंक संयुक्ता ने बोला था मेरे से कि दीदी आपने अपने पूरे बालों की लेंथ को शो करना, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। और मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि मैंने ब्लॉग चैनल पर ही वीडियो डाली है जिस पर मैंने एक हेयर वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने हेयर पैक लगाया हुआ है, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि मैंने अपने बालों को कट किया था। बिकॉज़ क्या होता है ना, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लगी है आजकल, बाल लंबे हैं ना तो दिक्कत हो जाती है ऑयलिंग करने में, पैक लगाने में, टोनर वगैरह लगाने में, क्योंकि बाल जितने लंबे होते हैं उतनी केयर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जड़ जड़ में करो और जो आपकी लेंथ है उसमें कुछ ना करो, तो इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने 3-3 इंच के करीब बालों को कट किया था। और अभी मैं नेक्स्ट मंथ फिर से करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी कृष्णा छोटा है तो इतना मैनेज नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता है, इंसान चाहे भी करना ना तो भी नहीं हो पाता है। मैंने यहाँ पे दाल बना ली थी, मैंने मसूर की दाल बनाई थी और चावल, तो उसके बाद से मैंने अपने लिए अनियन कट किया था और इनके लिए मैंने यहाँ पर ये ककड़ी कट कर दी थी। और उसके बाद से मैंने यहाँ पर चावल ले लिया, चावल को मैं बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कहा चलो आप लोग को एक बार शो कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरे जो बाल उड़ गए थे वो छोटे छोटे से सारे बाल आ चुके हैं और बाल बहुत हैवी से लग रहे हैं। तो यार आज जो पैक मैं लगाई हूँ ना, जो मैं लगा रही हूँ वो बहुत अच्छा है। तो आज वो वाला जो पैक है, बहुत स्पेशल वाला जो पैक है, वो आज आने वाला है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं इस पैक के ये फ़ायदे हैं कि आपके नए बाल आता है तो, और आपके बाल जो आ चुके हैं उनको जल्दी जल्दी लंबा करने का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा हैवी सा आपका बाल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आज आप लोग के साथ में ये वाला पैक फाइनली शेयर कर दूँगी। मैंने कल पैक नहीं लगाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था, कृष्णा के लिए हम लोग चले गए थे वैक्सीनेशन के लिए तो फिर टाइम नहीं मिला था, और रात में भी मैं फिर बहुत लेट ही सोई थी तो इसलिए मैं फिर नहीं लगाई थी पैक। तो मैंने कहा आज लगा लेती हूँ, तो आज मैंने लगाया है और क्लिप भी ऐड की है। तो जो पैक है, कैसे बनाना है, उसका जो वीडियो है वो नेचुरल ब्यूटी हेयर वाले ट्रीटमेंट वाले चैनल पे आएगा, तो वाले पे आप मेन चैनल पे देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज आप लोग के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ खाना। वैसे तो मैंने आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर करी हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ में थोड़ा सा संडे का जो रूटीन है वो शेयर कर देती हूँ। और गाइस सुबह जैसे मैं सोती हूँ ना, सो के उठने में टाइम हो गया था मुझे आज, आई थिंक 7 बजे के करीब भी उठे थे ना, इस वजह से इतना लेट हो गया था। नहीं तो लेट नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अब आप सोचो, खुद ही सोचो, जो बंदा 4 बजे सो रहा है रात के और वो बंदा सुबह 6 बजे उठो, आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो बंदा 6 बजे उठे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो बंदा 4 बजे सो रहा है वो 6 बजे उठ ही नहीं सकता है। अगर आप लोग को है तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि बंदा काम करने के बाद से 4 बजे सो रहा है तो बंदा कहाँ उठ पाएगा 6 बजे, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और फिर जैसे ही मैं उठती हूँ कृष्णा भी उठ जाता है। और अभी पता है आप लोगों को क्या कर रहा है कृष्णा क्या काम कर रहा है, कृष्णा अनियन लेकर के आ रहा है, पोटैटो लेके आ रहा है और बस उसको फेंका फेंकी कर रहा है बस। चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ, आज अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स को पढ़ के, कमेंट्स को देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा अच्छी हो गई थी, मूड भी अच्छा हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग देख लो मेरे बालों की लेंथ, और उसके बाद से मैं आप लोग के साथ में एक साड़ी पे भी बालों की जो लेंथ है हमारी वो पीछे से ओपन हेयर में शेयर करूँगी आप लोग के साथ में किसी ब्लॉग में या फिर किसी वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे की काम में, चलो बाई। सो गाइस इस समय शाम के 6 बज रहे थे और देखो मैं ना खाना वाना बना करके खा करके सबको खिला करके, मतलब मैं आशीष और कृष्णा खा वा लिए थे खाना वाना, उसके बाद से मैं सोई नहीं थी और कृष्णा और कृष्णा के डैडू सो गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर 6 बज रहे हैं, 6 बजे वो चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए शाम को। और उसके बाद से मैं अपना यहाँ पर टोनर बना रही थी, तो इसकी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, मैरी गोल्ड का टोनर है ये, तो इसकी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। और यहाँ पर ये टोनर मैं बना रही थी, उसके बाद से मुझे खाना भी बनाना था और कृष्णा के लिए भी सारी चीज़ें बनानी थी। बट क्या है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे अब चीज़ें खुल रही हैं तो हम लोग पैदल नहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग बाइक से ना
थोड़ा बहुत घूमने चले जाते हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर एरिया बहुत अच्छा है, आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी यार, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है वहाँ पे ना, ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर टोनर मेरा बन गया था, फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट अपने हेयर पैक की तैयारी कर रही थी। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके मैं अगर पैक लगाना होता तो सबसे पहले मैं पैक ही लगाती हूँ, देन मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पैक लगा रही थी, तो आप लोग को मैं यहाँ पर पूरा फुल एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, क्योंकि ना जब सुबह उठो और अपना काम स्टार्ट करो उससे पहले पैक लगा लो, उसके बाद से आपका 1 से 2 घंटे तक पैक रखना होता है, तब तक आपके पैक भी लग जाते हैं और आपका काम होता है, काम भी हो जाता है और आप साथ में नहा भी लेते हो, तो प्रॉब्लम भी नहीं होती और आपका सारा काम टाइम से ही ख़त्म हो जाता है। और गाइज आप लोग कहते हो दीदी ब्लॉग बड़ा शेयर किया करो, इसलिए मैं ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये थी कि दीदी ब्लॉग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और कुछ पुरानी यादें हैं कृष्णा की मेरी, तो मैं आप लोग के साथ में वही शेयर करूँगी रियल वाइज में, तो चलो आप लोग वो भी देख लो, ठीक है। सोने नहीं दोगी तुम पिलो भी हटा देती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, पिलो वहीं लगाओ जहाँ लगी थी, गिर जाओगी तो पता लग जाता है तुमको सब। बट गंदा और ये वाली वीडियो गाइस बहुत पुरानी है, जब कृष्णा आई थी कृष्णा वॉकर पे बैठा करके सारा काम करती थी, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये है कि जब ठंडियाँ स्टार्ट हुई थी, मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स लगती हैं, अगर आप लोग इस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और ये वीडियो मैं फालतू लोगों के लिए नहीं डाल रही हूँ, मैं अपने लिए डाल रही हूँ, जाती है कि हाँ ने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या चीज़ें स्पेंड करी हैं, वो सारी चीज़ें वैसे मैंने ये क्लिप डाली है। और मेरे पास कृष्णा और सारी वीडियोज रहेंगी और ये चीज़ें, तो इस वजह से मैं ये डाल रही हूँ क्लिप, और देख सकते हो कितना क्यूट सा, कितना अभी इसकी हेल्थ डाउन हो गई है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी और अभी इसकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई है, खाता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है, बस शेयर कर देती हूँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि कृष्णा ने चलना कब स्टार्ट किया था पहले टाइम में, और कृष्णा ने सबसे पहले क्या बोला था। वैसे तो ये मम्मा ही बोला था, बट कृष्णा के डैडू ने कृष्णा को डैडा बोलना सिखाया था। गाइस वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, इतने प्यार से इसने बोला था, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, देखने में इंटरेस्टेड हो गए, तो प्लीज़ आप लोग बताना, मैं शेयर जरूर करूँगी आप लोग के साथ में। बहुत ही अच्छी, इतनी क्लिप है वो, और बहुत ही ऑसम मोमेंट है, मतलब मैं आपके साथ में बता नहीं सकती हूँ कि मैं उस मोमेंट को
सोचती हूँ देखती हूँ ना तो मेरे दिमाग में बस आते नहीं चलती रहती। मैं बहुत ज्यादा अगर खुश हो जाती हूँ तो फिर मैं उस पल को नहीं उस मोमेंट तुम मम्मा बच हाँ सोचती हूँ बड़ा अच्छा लगता है बैठी हो पलाती हो लाती मां के। चलो आप लोग रियल वाइज सुनो हमारी और कृष्णा की। आओ 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 ले ले आज ये मन गुंडी आओ 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 आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना कृष्णा छोटा सा ही था तभी से मैंने इससे बातें करना स्टार्ट कर दिया था और ये ना सारी चीजें समझना स्टार्ट कर दी क्योंकि ना मैं इसके साथ में जो चीजें बोलती थी जो चीजें करती थी वो उसको सारी चीजें समझ में आती थी मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बच्चों वाली लैंग्वेज यूज कर रही हूँ सारा साला सारा ऐसे करके तो आप लोग यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर साला अब्यूज बोल रही हूँ सारा मतलब सारा कुछ गंदा कर दिया है ठीक है कृष्णा। कृष्णा अम्मा कृष्णा शाला गंदा फैलाई और ये सब कहा करी है तुम हैं छाला डायपर वाइपर सब गिरा गिरा रखी हो गंदी गुगु कृष्णा मम्मा को बेटे बहुत सारा काम ना ये सब लाओ लखो इसके अंदर लखो ये देखो इसके अंदर रख दो शाला शाला निकालना नहीं बेटा हाँ इसको निकालना ना है इसको ना ऐसे छोड़ के रख दो ऐसे छोड़ो इधर तुम वीडियो बनेगा तो तुम तो देखोगी वीडियो को कृष्णा ए देखो क्या ए देखो ए देखो ए देखो नहीं करोगी अब तुम कर नहीं सकती हमको पता है ना तुम्हारे बारे में। जा लेके आओ पिलो लेके आओ उसमें से पिलो निकाल के ले आओ बेटा पप्पू गिर जाओगे
आओ दूध पी लो, आ जाओ दूध पी के सो जाओ, आ जाओ। फिर खो गई, वही सो गई। बेटा गिर जाओगी तुम, सुनती नहीं हो ना। क्या करी हो ये सब कृष्णा? कृष्णा चल गंदा।